दो तीन मुद्दे हैं यहाँ पे। एक तो ये कार्यालय का जो हमने यहाँ पे गठन किया है, ये पहला मुद्दा है। एक इस कार्यालय में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस का ये मैं आने के बाद ये पहला इंडिपेंडेंट कार्यालय यहाँ पे बना हुआ है। कि पहली ये मांग है कि ये कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा और विटावा, यहाँ पे जो म्यूनसिपल्टी की तरफ से या शासन की तरफ से जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। जैसे वसीम भाई ने कहा कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हमारे नाना कदम है जो पुराने कांग्रेसी है, ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके पर पूरी ये घरे और इमारतें और ये सब जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं सब बसी हुई है। और ये मुमरा देवी बेसिकली खाड़ी और पहाड़ी इन दोनों का मिलाप है। यहाँ पे जो मुस्लिम्स और आगरी ये वो पिछले 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और ये बढ़ती आबादी को देख के यहाँ पे एक्चुअली जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो हो नहीं हो पा रही है। इसका मेन रीज़न है कि ठाणे महानगर पालिका का फंड्स और ठाणे महानगर का प्रशासन को कम पड़ रहा है। तो पहली मांग कांग्रेस की आज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि कलवा, विटावा, मुमरा, खारेगांव, कौसा और दीवा का एक अलग महानगर पालिका यहाँ पे डिक्लेयर हो जाए, ताकि अगर ये महापालिका डिक्लेयर हो गई, जैसे अलग विदर्भ बोलते हैं वैसे अलग अगर कलवा, विटावा, थोड़ा सा अहिरवली का एरिया, ये कौसा, मुमरा और दीवा अगर लिया, और ये महानगर पालिका के अगर, क्योंकि जितने वार्ड यहाँ पे है उससे कम वार्ड ठाणे महानगर पालिका है, यहाँ पे करीबन 56 वार्ड है यहाँ पे और ठाणे महानगर पालिका में 42 वार्ड है। तो जितना फंड्स है वो पूरे ठाणे महानगर पालिका पर भेजा जाता है, दीवा के तरफ, मुमरा के तरफ ध्यान दिया नहीं जाता है। जबकि यहाँ की सब मिलकर आबादी ये थाना के 3 गुना है। कितनी? 3 गुना। ठाणे महानगर पालिका का जो क्षेत्र आता है, ये जो मुमरा, कौसा और दीवा के 51 बूथ है और मुमरा कौसा का जो ये मतदार संघ है विधानसभा, इसकी जो ये है आबादी है और इसकी जो बूथ्स है वो ठाणे महानगर पालिका के 3 विधानसभा मतदार संघ है। सिटी है ओला माजीवड़ा का आधा है 200 बूथ और मुझे लगता है वागले के 300 बूथ, इनसे मिलकर ये बूथ इतने बड़े हैं। तो मुझे लगता है ये दुर्लक्षित हो रहा है वहाँ, इसलिए ये मूल मूल समस्या है। यहाँ पे डिलिमिटेशन के बाद अगर यहाँ पे 1-2 MLA अगर है, यहाँ पे 1.5 MLA 2 MLA है, तो मुझे लगता है ये अलग महानगर पालिका होनी चाहिए यहाँ पर, तभी यहाँ के आवाम को और यहाँ के जनता को सुकून मिलेगा। श्रीकांत सर, अभी आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव हो गया या फिर विधानसभा चुनाव हो गया, इसमें कांग्रेस किस तरह से भूमिका निभाएगी और किस तरह से मुमरा कौसा में चुनाव को लेकर जो है मैदान में? कांग्रेस के की भूमिका स्पष्ट है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने MVA आघाड़ी बनाई है, MVA गठबंधन बनाया है, उसमें यहाँ पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस चल रही है। जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, जहाँ पे राहुल गांधी रहेंगे, वहाँ पे ठाणा कांग्रेस रहेंगी, क्योंकि हम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पार्टी हमारी यहाँ पे हमको डिसीजन देंगे कि आपको MVA के साथ चलना है, आपको स्वतंत्र लड़ना है, आपको NCP के साथ लड़ना है या नहीं लड़ना है, एक बात क्लियर करके रखता हूँ आपको, जो यहाँ से हमारे कॉरपोरेटर्स है या जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जो कांग्रेस को छोड़ के BJP के विचारधारा के लोगों के साथ जुड़ जाएंगे उनको कांग्रेस साथ में लेके चलने वाली नहीं है, चाहे उसमें कोई भी हो। कल को अवार साहब अगर बोले कि हमको BJP के साथ जाना है, NCP अगर बोले हमें BJP के साथ जाना है, हम जाएंगे नहीं। लेकिन जब तक जितेंद्र अवार जी यहाँ पे कांग्रेस के साथ है, अवार साहब NCP, जितेंद्र अवार ने NCP कांग्रेस के साथ है, हम यहाँ पे हमारा जो ये है आदेश है पार्टी का वो हम फॉलो करेंगे। पार्टी ने कहा MVA के साथ मत जाओ, स्वतंत्र लड़ो, तो हम स्वतंत्र लड़ेंगे। पार्टी ने अभी फिलहाल ये कहा है कि हम आने वाली पूरी चुनाव ये MVA में लड़ेंगे। तो MVA में यहाँ पे आपको मालूम है कौन कौन है, मुमरा में हमने बोलने की जरूरत नहीं है, सुभाष भोईर साहब है, जितेंद्र आवाड साहब है, हमारे सब मोतीराम सेठ है, यहाँ पे शकीला है, हमारे सब ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, सब मिलके काम करेंगे यहाँ पे। सर, पिछले दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी उठा पटक देखी गई और NCP पार्टी के 2 धड़े बन गए, तो उसका महाविकास आघाड़ी जो आप लोगों का गठबंधन है उसके ऊपर कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? वो NCP का अंदरूनी मामला है, लेकिन
हमारी भूमिका आप पूछेंगे, हम अजीत दादा पवार के साथ तो जा नहीं सकते ना, वो तो बीजेपी के साथ गए ना, मोदी के इसको लगा के बैठे हैं, मोदी तो मुस्लिम लोगों के खिलाफ है, यहाँ पे मुमरा में आवाम मुस्लिम ज्यादा है और आगरी लोग है, जो हमारे हमको मानने वाले कांग्रेस को मानने वाले लोग है, उद्धव ठाकरे को मानने वाले लोग है, वो आगरी कम्युनिटी, वो कॉस्मोपोलिटन कम्युनिटी और वो मुस्लिम कम्युनिटी जो मोदी के खिलाफ है, वो थोड़ी अजीत दादा के साथ जाएंगे, जो जाना चाहते हो जाएंगे, हम लेकिन हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पे आरोप लगता है मुस्लिम समुदाय को लेकर, जिस तरह से उसी तरह से शिवसेना पे भी आरोप लग रहा था, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर शिवसेना से सरकार बना ली थी ना। आपने ये भूलना नहीं चाहिए आप पत्रकार लोगों और स्पेशली मुस्लिम से, कि जब एमएनएस ने ये जो लाउडस्पीकर का मामला उठाया था दरगाहों के खिलाफ, या एमएनएस के लोग जब यहाँ पे आए थे दरगाह के खिलाफ, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की भूमिका स्पष्ट थी कि हम मुसलमानों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुस्लिम बांधवों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ पे मुस्लिमों के संरक्षण का सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे अगर उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना अगर उनके आपके बारे में सोचती है तो 100% हम उनके साथ रहेंगे, जिन मुद्दों पर वो आपके खिलाफ विचार करेंगे हम उनके साथ नहीं रहेंगे, स्पष्ट बात है यहाँ पे। वो तो हमने हमारे हाईकमांड को भी बताया, हमारे हाईकमांड ने क्लियर कट बोला है, हमें इंडिपेंडेंस दिया है कि आपको जैसी आपकी विचारधारा है आप हमें बताइए, उस तरीके से हम यहाँ पे निर्णय लेंगे। आप लोग सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग सब यहाँ पर आए। मैं एडवोकेट विक्रांत जी चौहान जो हमारे थाना शहर अध्यक्ष है, उनके आदेश पर जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ बुलाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल मुद्दा ये है कि मुमरा की तरफ जो दुर्लक्ष किया जा रहा है, जिस तरीके से नेग्लिजेंस की जा रही है मुमरा के लिए, उस पर जो वो कांग्रेस को मैदान में आने का हमें एक हदफ दिया गया, एक लक्ष्य दिया गया एडवोकेट विक्रांत जी चौहान की तरफ से। उसी के चलते हम लोगों ने कल जो है वो 3 डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। सबसे पहला डिपार्टमेंट जो था, जो कि इस वक्त की बेसिक नेसेसिटी है मुमरा के लिए और कलवा के लिए भी, हम लोग सबसे पहले गए कलवा में वोटर एनरोलमेंट सेंटर के अंदर, जहाँ पर हम लोगों ने हमारी ये मांग रखी कि जिस हिसाब से आप टैक्स वसूलते हो, यानी तकरीबन 12 से 13 लाख लोगों का अगर आपने टैक्स वसूली किया हुआ है, तो उसी हिसाब से मुमरा में वोटर्स भी होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा वोटर होंगे उसके हिसाब से आपको जो है वो सहूलतें मिलेंगी, उसके हिसाब से आपको अस्पताल मिलेंगे, उसके हिसाब से स्कूल्स मिलेंगे और दूसरी चीज़ें मिलेंगी। इसी के बाद हम लोग दूसरी बात जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में गए। जैसा कि आप सबको पता है, बारिश हो या आम दिन हो, हमारा एमएमवेली जंक्शन, अमृत नगर, तनवर नगर, कौसा के आसपास का कुछ हिस्सा, ये सब हमेशा से जाम रहता है। इसकी जो बेसिक रुकावटें हैं उसको दूर करने की हमने मांग की। लेकिन एक अहम मुद्दा जो है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले घटना घटी के ऊपर, बाईपास के ऊपर थोड़ा सा भूमि संकलन जिसको बोलेंगे, यानी कि एक जमीन की शक्ति है वो हुआ, तो वहाँ पर जो है ना, ये क्यों होता है कि एक वेट मतलब स्पीड लिमिट दे दी गई 30, ये पॉसिबल नहीं। अगर 30 की लिमिट रहेगी तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक होगी, यानी उसके ऊपर ज़्यादा लोड होगा, मतलब और ज़्यादा लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ेगा। तो इसके लिए भी हमने मांग की। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जो PI थे उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया मांग की, हम हमारे अध्यक्ष सर और वरिष्ठों के पास जाएंगे और इसको जो है वो वहाँ पर जो चेंज करने की जिम्मेदारी है वो लेंगे। लेकिन हमारे को एक आश्वासन दिया गया है कि वहाँ पर जो है जो जुर्माना जो लगाया जाने वाला था 30 के ऊपर, वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया। उसके बाद तीसरी जगह हम लोग हैं फायर ब्रिगेड के अंदर। फायर ब्रिगेड पे इसके लिए जाना ज़रूरी था कि जिस तरीके से आज हर जगह पर पानी का लेवल बढ़ते चले जा रहा है और घर जो है डूबते चले जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हमारे पास मुमरा में जो है वो क्या सामग्रियां मौजूद है, क्या उसका एक्शन प्लान। तो वहां जाने के बाद हमको जो धक्केदायक माहिती मिली कि उनके पास बोर्ड्स तो है, उनके पास सीढ़ी तो है, उनके पास रस्सियां तो है, उनके पास झाड़ काटने के लिए आरे तो है, लेकिन ये सब काम करने के लिए उनके पास 10 स्टाफ की कमी है। पिछले सालों के अंदर कई स्टाफ छोड़ के चले गए हैं। फिर हमने इसके लिए हमारे अध्यक्ष को जो है वो पूरा ये सब बातें बताई, यहाँ पे सब लेटर्स मौजूद हैं। अध्यक्ष ने कहा है कि हम फौरी तौर पर वहाँ पर आसामियाँ पूर करने की मांग करेंगे पुरजोर तरीके से, लेकिन तब तक अध्यक्ष ने हमको ये भी आदेश दिया है कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर के शहर की आवाम की जान बचाने का काम हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलकर रोड पर करेंगे।